जब टाइटैनिक जहाज डूबा था तब आप नाविक थे? ओ नहीं, मैं एक बार न्यूयॉर्क गया और मुझे वहाँ काम मिल गया। मैं एक बार नाविक बन जाऊँ फिर वो काम मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर वो जहाज इतना ही अच्छा था तो डूबा कैसे? वो तो मजबूत था ना। सबसे अच्छा जहाज। ये देखो इस पुराने अखबार में क्या लिखा है, टाइटैनिक की पहली यात्रा का हुआ दुखद अंत, जहाज डूब गया, सैकड़ों लोग गायब, काफी लोग अपनी जान गंवा बैठे। देखो बच्चों ये बहुत पुरानी कहानी है, सच तो ये है कि वो लोग जिन्हें लापता बताया जा रहा है वो कभी गुम हुए ही नहीं। ये सब एक गलत फहमी है, किसी दिन मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा। अरे बच्चों अब ऐसे जिद मत करो, रुक जाओ। हाँ? उसे अभी वापस रख दो, वो बहुत खतरनाक है। एक पुरानी सीटी तो है। यही वो सीटी है जिसकी मदद से उस भयानक मिस्टर आइश को बुलाते थे। वो इतने भयानक क्यों थे? हाँ? आइश एक बहुत ही खतरनाक और बेरहम राक्षस था। ठीक है बच्चों, तुमने मुझसे बात शुरू करवा ही दी, अब मैं पूरी कहानी बता ही देता हूँ, पर अगर तुम शांति से बैठोगे तो ही। जरूर। मैं अभी भी कहूंगा कि वो अब तक का सबसे सुंदर जहाज था, ऐसा जहाज आज तक नहीं बना। ये सब काफी पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ जब मैं बहुत छोटा था। वो बहुत ही सुंदर दिन था और बंदरगाह पर बहुत रौनक थी। ठीक है तो अगला कौन है, आगे चलिए जल्दी। हाँ मजा आएगा। चलिए चलिए लाइन में रहिए सर। आ जाओ। शुक्रिया पिताजी। लो आ गया हूँ। शानदार है नहीं? शानदार, बहुत ही सुंदर है। गुड मॉर्निंग कप्तान, जहाज पर आपका स्वागत है। आपका शुक्रिया, आपका जहाज बहुत ही अद्भुत है ना एलिजाबेथ? हाँ हाँ बिल्कुल। ध्यान रखना कि ड्यूक का सामान सही से पहुँच जाए। यस सर। इतना बड़ा जहाज तो मैंने कभी नहीं देखा। हाँ जल्दी चलो जल्दी, तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो। चलो आइए आइए, देर ना हो जाए। हाँ मैं तो बहुत ही खुश हूँ। अब बिल्ली चली गई, आप सब बाहर आ सकते हैं। टॉप रिपोर्टिंग सर। बहुत अच्छे, अब हम एक बार सबकी गिनती कर लेते हैं। जी सर, अब देखते हैं। मिस्टर एंड मिसेस ऑगस्ट वॉलेस ब्रूस मैकमाउस, मिस्टर एंड मिसेस पैट्रिक लैम और राज और दो बच्चे, जॉन और एवेट रेटाउन बच्चों के साथ, जैन ल्यूक और फ्रैंक कॉइस रेटेट ओलियो और मौसरी परिवार सिसली से, और पार्मिजानो पेकेरो गोर्गोंजोला प्रोवोलोन पोटिना कैचिकाबोला रिकोटा मोज़रेला और एस्पेट। मिस्टर एंड मिसेस मोज़ेटी काफी प्यारा परिवार है। हर हेनरिक और फोर ग्रेटा वॉन मॉस्केस असिस्टेंट के साथ, स्क्लोमो और बेकी मोज़ेल और सिल्वा पेरेरा कुएज़ो फैमिली रिसेफी से, दो बच्चों के साथ, रोनी और एस्ट्रेला। मैं यहाँ हूँ, मुझे स्टेला बुलाइए, क्योंकि सभी मुझे प्यार से यही कहते हैं। आपको मिलकर अच्छा लगा स्टेला। टॉप कॉर्नर साहब की सेवा में हाजिर है। शुक्रिया रोनी, तुमसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। टॉप सर, सभी को अपने अपने काम ठीक से करने होंगे, समय बहुत तेजी के साथ जा रहा है और खतरा कभी भी आ सकता है। एक बार में एक ही रस्सी को जितना हो सके जल्दी ऊपर खींचो। ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक से रहना और शैतानी मत करना। तो हमें उस रस्सी से ऊपर जाना है क्या?
तुम्हारी बात सही है, पर तुम्हें यहाँ रहना है तो यहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी। जहाज पर काम करने वाले इसे शिप रोप बुलाते हैं, समझ गए? समझ गया। तो हमें उस रस्सी के ऊपर जाना है, ठीक है सर? मतलब हमें रस्सी के ऊपर चढ़ना है और फिर नीचे उतरना है और फिर शायद पानी में भी गिर जाएंगे। ऐसा हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा। तो ठीक है, फिर सब लोग लाइन में आगे बढ़िए। रोनी, तुम रस्सी के पास वाले परिवार की मदद करो और अपनी बहन स्टेला का खास ध्यान रखना। चिंता मत करो टॉप, मैं तुम्हारा ये काम जरूर करूंगा। बहुत अच्छे रोनी, अब जाओ। अरे सुनो, क्या तुम ब्राजीलियन हो? क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम यहाँ इंग्लैंड कैसे आए? मैं यहाँ पर आपका पसंदीदा खेल फुटबॉल सीखने आया हूँ, पर मुझे लगता है कि मेरे देश में इसके नियम थोड़ा बदल जाएंगे। तुम इस खेल के नियम बदलने वाले हो, सच में? ओ नहीं, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, पर हम बस इस खेल की भावनाओं को थोड़ा बदल देंगे। देखिए, ऐसे, ऐसे, ये, हाँ ठीक हूँ, और शुक्रिया। तो हम ब्राजीलियन फुटबॉल के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। बाय। पिताजी, क्या अब हमें जहाज पर नहीं चलना चाहिए? इतनी जल्दबाजी मत करो बेटा, आपकी उपस्थिति इस यात्रा को और भी यादगार बना देगी। आप बहुत चापलूस हैं मिस्टर मॉल्टवर्स। सच बात है सर, जैसा कि मैं कह रहा था कि सभी लड़कियों की प्रेजेंस जो है, एलिजाबेथ सही से रहो। क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि एवरेड ने तुम्हारा हाथ मांगा है? तुम जानती हो कि मुझे और तुम्हारी सौतेली माँ को ये जोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। उस जैसे बुढ़े आदमी से शादी करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ पिताजी। बुढ़े से क्या मतलब है तुम्हारा? वो बस 40 साल का है। ठीक है पिताजी, बुढ़ा नहीं अधेड़ उम्र का तो है। एलिजाबेथ ऐसा मत कहो, तुम जानती हो तुम्हारी एक क्लास है। तुम्हें पता है कि मैं और तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। अच्छे से पेश आओ। ठीक है पिताजी। ये वहाँ क्या चल रहा है? जिप्सीज, आप चलिए मैं आती हूँ। मेरे हिसाब से ये बहुत बेकार है। चलो स्माइली, सबको हम अपना हुनर दिखाते हैं। बहुत अच्छे, कितनी सुंदर लड़की है वहाँ पर। उसके पास जाओ स्माइली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जाओ अब जाओ। मुझे लग रहा है कि आपकी बेटी आपको नजरअंदाज कर रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही करेगी जो मैं चाहती हूँ। पर अगर वो मिस्टर एवरार्ड से शादी करना ही ना चाहे तो? तुम तो जानती हो मैं अपना काम निकलवा ही लेती हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। आखिर ये चाहता क्या है? माय लूसी डार्लिंग। ऑलराइट जेफ्री, आराम से और उसे पकड़ लो। बेवकूफ कहीं के जाकर पकड़ो उसे। बहुत अच्छे, यहाँ आ जाओ, तुम्हें ये पसंद है हाँ? आराम से, मुझे अपने ग्लव्स निकालने दो। ध्यान से, मुझे गिरा मत देना। कितने प्यारे हो तुम, क्या चाहिए बोलो। कितने मुलायम और मखमली बाल हैं तुम्हारे। कितने प्यारे हो। मैं सोच रही थी तुम्हारा नाम क्या होगा।
अरे क्या कहना चाह रहे हो? अरे यहाँ वापस आओ। तुम दुनिया की सबसे बढ़िया शिकारी हो स्माइली। ये खुशबू तो लाजवाब है। हाँ? चलो अब हमें चलना चाहिए। इस आदमी की वजह से कहीं प्लान खराब ना हो जाए। हो सकता है। जेफ्रीज, पता करो कौन है ये आदमी। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं बॉस? पहले जाकर काम करो, फिर मैं तुम पर भरोसा करूंगा। माफ करें सर, पर जानवर को पट्टा बंद रखना होगा। मेरे अच्छे दोस्त, तुम डॉन जॉन टेनोरियो से बात कर रहे हो? एरियाटे गोंजालेस लियोन एंडालुसिया के राजकुमार से भी। और राजकुमार जानवरों के साथ नहीं घूमते, समझे तुम? ना समझ। अगर तुमको इससे कोई तकलीफ है तो सबसे पहले तुम्हें हमसे निपटना होगा, समझ गए? बोलने से पहले जरा सोच लिया करो तुम। हमें क्या करना ये हमें कोई नहीं बता सकता, और जो ऐसी हिम्मत करता है उसे भुगतना पड़ता है। अब हट जाओ और हमें जाने दो। शैतान कहीं का, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तुमको सबक सिखा कर आऊंगा। टाइटैनिक की पहली यात्रा, दुनिया के सबसे अद्भुत जहाज की पहली यात्रा। अमीर अमरीकी एवरार्ड माल्ट्रावर्स ने लेडी एलिजाबेथ का हाथ मांगा, जो कैमडेन के ड्यूक की बेटी है। इधर आओ दोस्त, मुझे भी एक अखबार चाहिए। हाँ सर, अभी आया, ये लीजिए। थैंक यू। तो कहाँ था मैं जेफ्रीज? आहा, जहाज के सभी कप्तान अपने अपने क्रू के साथ सतर्क और तैयार रहें। हम कभी भी चल सकते हैं। मेरे इस संदेश को आप आदेश समझें। दस्तखत के साथ एवरार्ड माल्ट्रावर्स। मेरा काम करने वाले 2% के नौकर इतनी हंसी क्यों आ रही है? आप ऐसी दुआ करो कि मैं तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी ना रख लूं। नहीं मालिक, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस आपके सबको संभालने के तरीके को देखकर हैरान था। कैसे संभालते हैं? हाँ, वैसे काम तो सही चल रहा है, और ऐसे ही काम चलता रहा तो मुझे पक्का विश्वास है कि ड्यूक मुझे वेलिंग का सारा बिजनेस सौंप देंगे। वैसे बात तो ये है, उनकी बेटी का हाथ आपको मिल जाए और उनसे शादी हो जाए तो सब पैसा आपका हो जाएगा मालिक। चिंता मत करो जेफ्री, सब ठीक है। तुमने बात तो सही कही है। इस दुनिया में पैसा और ताकत के बिना किसी भी चीज की कीमत नहीं। बाकी सब चीजें पैसा और ताकत पाने के लिए होती हैं। अभी तक यही हो? जल्दी करो, जल्दी से सब रस्सियां निकालो और कप्तान को बताओ। हाँ मालिक। और तुमको तो मैंने उस लड़के के बारे में पता करने के लिए कहा था जो हमें इस जहाज पर दिखा था, जो बिल्कुल जिप्सी जैसा दिखाई देता है। उसके बारे में अभी पता लगाता हूँ मालिक। हाँ, एक और बात जेफ्रीज, मुझे जब भी तुम्हारी सलाह चाहिए होगी मैं तुमसे पूछ लूंगा।
मिस्टर क्रेग, अब रफ्तार आधी कर दीजिए। जी सर। शुक्रिया। रफ्तार को आधा कर दो। सुनिए सर, सभी लोग आपका फर्स्ट क्लास डाइनिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। शाम का जश्न शुरू करना है। ओ ठीक कहा, मैं अभी आता हूँ। जश्न की शुरुआत करने से बुरा कुछ भी नहीं होता। अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे बुला लेना, और अगर ना हो तो भी मुझे जरूर बुलाना। यस सर। जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। दोस्तों, नाविकों और सभी साथियों, टाइटैनिक पर आपका स्वागत है। आज तक का सबसे अद्भुत जहाज, और हम अभी आज तक के सबसे सुंदर जहाज पर हैं। पर ध्यान रखें कि जो भी चमकता है वो सोना नहीं होता। ध्यान रखें कि ये जहाज एकदम नया है, और अभी तक इसने माउस इंस्पेक्शन बोर्ड का इम्तिहान भी पार नहीं किया है। तो कुछ दिनों तक अपना ध्यान रखें जहाज पर। और खुशी की बात यह है कि जहाज पर बहुत सारा खाना है, और इसका श्रेय जाता है कैमेबर्ट को। राम राम भाइयों। हम नसीब वाले हैं कि ऐसे महान आदमी हमारे साथ हैं, हैं कि नहीं? एक मिनट, इसके पहले कि आप जाए, मेरी बात सुनिए। रुकिए, एक जरूरी बात। जहाज पर यात्रियों के साथ कुत्ते भी आए हुए हैं, और बुरी खबर ये है कि उनके साथ बिल्लियाँ भी हैं। बहुत अच्छी, अच्छा खाना और बिल्लियाँ, मजा आने वाला है। रोनी रोनी, आग के साथ मत खेलो। मैंने उसे देखा है, तुमने नहीं। ये बिल्लियाँ सभी अमीर लोगों की है, जो सिर्फ मजे के लिए जानवर को मारती हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं। कैप्टन ने जो कहा वो तुमने सुना ना? वादा करो कि तुम ध्यान से रहोगे। ओए, चलो हम डाइनिंग रूम देख कर आते हैं। ठीक है। आते हैं स्टेला। मिस्टर कॉनर्स। क्या हुआ? रॉनी थोड़ा आवारा है, पर मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ, आप ख्याल रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं। कैसे हो माल ट्रेवर्स? मैं ठीक हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। देर से आने के लिए माफ कीजिएगा, काम करते करते समय का पता ही नहीं लगा। एलिजाबेथ अब बेहद सुंदर लग रही हैं। यह सिर्फ दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज ही नहीं, बल्कि यहाँ का खाना भी लाजवाब है। कैप्टन, क्या आप मिस्टर माल्टावर से मिले? जी हाँ। मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई जगह होती है। मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ देख लिया है। इस यात्रा में हमको कुछ काम नहीं करना है, लंबा आराम मिलने वाला है। ऐसा कुछ भी मत सोचो रोनी, मैंने तुम्हारी बहन से वादा किया है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, और अब मुझे ज्यादा परेशान मत करो। बहुत ही सुंदर है ना? बिल्कुल है मेरे दोस्त। उन सभी थालियों में बहुत अच्छी चीज है। मैं तो भूख से मर रहा। हम बाद में बचे हुए खाने में से खा लेंगे। पर अगर वो सब कुछ खा गए तो? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम इस खूबसूरत जोड़े के नाम लेडी एलिजाबेथ कैमडन और मिस्टर एवरर्ड। एलिजाबेथ और मुझे आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कैप्टन, शुक्रिया सर। अगर इनकी शादी टाइटैनिक पर हो जाए तो कितना अच्छा होगा। दुनिया के सभी लोग इनके बारे में ही बात करेंगे। तुम्हें नहीं लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है? नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा जानते हैं कब होता? जब कोई मेरी राय मांगता, कम से कम मेरी जिंदगी के फैसलों के बारे में। इतना हक तो मिलना चाहिए मुझे। मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही। अब मैं इजाजत चाहूंगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, खुली हवा में। आप लोग प्लीज मेरे बिना ही जारी रखिए। रुकिए लेडी एलिजाबेथ, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे माफ करिए, मुझे नहीं पता था कि। कैप्टन, ये आपकी गलती नहीं है, बैठ जाइए, कुछ पी लीजिए। सच कहूँ तो तुम्हें इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। एक सच्ची राजकुमारी ऐसे कभी पेश नहीं आती। मुझे ये औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है कि वो बहुत सुंदर है, बिल्कुल एक गुलाब के फूल की तरह। तुम सच बोल रहे हो ना? वो टोपी वाली बुढ़ी? बिल्कुल नहीं, वो जो अभी अभी यहाँ से निकली। मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। मैं तुम्हारे सपने खराब नहीं करना चाहता, पर मैं बताना चाहूँगा कि वो एक लड़की है और तुम एक चूहे। तुम चाहे जो भी कहो, मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता, और वो लड़की बहुत सुंदर है, और हम ब्राजीलियन सुंदरता की तारीफ करते हैं।
can wish on a star if you try. सुनो, इधर देखो, नीचे। हाँ तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं इनकी भाषा समझ पा रही हूँ। मेरा नाम एलिजाबेथ है। बहुत अच्छे एलिजाबेथ, अब मैं समझाता हूँ। अब तुम हमारी सारी बातें समझ सकती हो। चांद की रोशनी ने तुम्हारे आंसू को पकड़ लिया था। जैसे ही वो पानी में जाने वाला था, हमने उसे पकड़ लिया और उसमें थोड़ा जादू मिला दिया और ये काम आसानी से हो गया। हाँ सुनो, अब तुम रोना बंद ही करो। अरे बात, क्या बात है? बहुत जोर की लगी। ओह, मतलब तुम्हें सच में मेरी फिक्र है? क्या तुमने सुना रोनी? मुझे पता है कि वो एक अच्छी लड़की है और ये किसी तकलीफ में है, तो इस जादू की वजह से हम एक दूसरे को जानने लगे और अब हम इनकी मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो रोनी? अरे तुमने देखा नहीं, ये लोग जिस तरह कूदते हैं, ये तो सोने की खान पे बैठे हैं। क्या बोल रहे हो? ये लोग जैसे कूद रहे हैं, ऐसे तो कोई भी गोल मार सकता है। अगर मैं तुम्हारे जैसे एक डॉल्फिन बन सकती तो मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होती। मैं आराम से समुद्र में घूमती और इस दुनिया के मतलबी और चालाक लोगों से बात नहीं करनी पड़ती। काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। अगर आप मेरी जगह होती तो आपके पास रोने का टाइम ही नहीं होता। हम तो हमारे दुश्मनों से अपनी जान बचाने में ही लगे रहते हैं। मॉल्जुवस के जहाज वेल्स के खत्म होने तक उनका शिकार करते रहेंगे और अब तो उन्होंने अपना दायरा भी बढ़ा लिया है और जो बाकी बचे हैं उनको भी ले जाना चाहते हैं। इसकी वजह से काफी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अगर कुछ जादू नहीं हुआ तो वेल्स ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। ये रही आपकी ड्रिंक सर। जैसा कि मैं कह रहा था, मेरी सारी नाव चलने को तैयार हैं। इस समय मेरी लगभग दर्जन भर नाव बंदरगाह पर खड़ी हैं और मुझे उसका पैसा देना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रहा हूं। और अब तो मैं और आपकी बेटी शादी करने वाले हैं और मुझे वेलिंग के राइट से बड़ा कोई तोहफा नहीं मिल सकता। और मैं उस बिजनेस की बात कर रहा हूं जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस तरह से आपको एक अच्छा दामाद मिलेगा, मैं खुश रहूंगा तो आपकी बेटी भी खुश रहेगी। मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता, ना ही शादी में और ना ही इस डील में। शुभ रात्रि माल्ट्रवर्स। मालिक, मैंने अभी लेडी लिच को देखा। मैं किसी ना किसी तरीके से अपना काम करवा ही लूंगा, बाद में सभी कुछ अपने नाम पर करवा कर ही रहूंगा। सभी कप्तानों को ये संदेश भेजो कि वो अपना शिकार शुरू कर दें अभी के अभी। और अपने खास दोस्त को बता दीजिए कि वो तैयार रहे और लेडी एलिजाबेथ पर हमेशा तुम्हारी नजर रहे। तुम उसकी परछाई बन जाओ, समझे? उसकी परछाई। और इस बार कुछ भी गड़बड़ी तो मैं तुम्हें उठाकर समुद्र में फेंक दूंगा और भूखे शार्क का निवाला बना दूंगा। क्या चल रहा है जेफ्रीज? मेरे दोस्त, मुझसे बात करो। आइस, मेरे पास मालिक का एक संदेश है। हाँ, मैं और मेरी टीम तुम्हारे काम के लिए तैयार है दोस्त। आराम से आइस, उन्हें सतर्क रहने के लिए कहना और जहाज से ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है, मिस्टर एम को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि वो जब भी कहेंगे हम तोड़ फोड़ के लिए तैयार है। मालिक,
अच्छा मौसम हो रहा है ना वाकई। ओह मिस्टर मॉन्ट्रोवर्स, आप हमेशा ही इतने अंदर नजर आ रहे हैं। अरे तुमने जो पहना है काफी सुंदर लग रहा है। आओ जरा खाने चल देते हैं। अरे तुम हमेशा देर कर देते हो। आराम से तुम वहां से ऊपर की तरफ जाओ जल्दी। हाय एलिजाबेथ, एलिजाबेथ झरो मत, हम दोस्त हैं, पर तुम तो डाइनिंग हॉल में थी। हाँ चलो खाना बहुत अच्छा है। जब तक एवरार्ड वहाँ पर है मैं कभी उस टेबल पर नहीं बैठूंगी। तुम्हें ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें इस मुसीबत से निपटना होगा और तुम्हें जाकर अपने पिताजी से और एवरार्ड से बात करनी होगी। मेरे पिताजी रेचल की मुट्ठी में है पूरी तरह से। देखो तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, अभी तो खेल का पहला हिस्सा ही चल रहा है, तुम्हें लड़ना ही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल लड़ूंगी, अब मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो। हम एवराड को सबक सिखाकर उन व्हील्स की भी मदद कर सकते हैं। तुम हम पे भरोसा कर सकती हो। चलो अभी दोस्तों, पहले थोड़ी मस्ती हो जाए फिर हम सोने जाएंगे, क्यों क्या कहते हो? क्या बात है स्माइली, तुम्हें कुछ परेशानी है क्या? ओह तुम्हें मेरी मदद चाहिए। घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ देर बस अकेला रहना है, कहीं नहीं जाना। मैं सिर्फ उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे फिर से देख पाऊंगा? हाँ तुम सही हो दोस्त, मैं जरूर उसे दोबारा देखूंगा, बस इसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मैं अपनी पूरी यात्रा ऐसे ही नहीं निकाल सकता उसके बिना दुनिया देखते हुए, कुछ तो करना होगा, पर कैसे? तो वो आज रात भी नहीं आ रही है, गलत बात है ये। मुझे जाकर अपनी बेटी से बात करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा क्या उसके दिमाग में चल रहा है। वो बेवकूफ लड़की सब कुछ खराब करके रख देगी, और वो बेचारा इंसान मेरी मदद कर रहा है। मुझे एवरार्ड से बात करनी होगी, तुम यहीं रुको। एक तुम्हारे लिए और एक रॉनी के लिए, ठीक है? जासूसी एक बहुत ही मेहनत का काम है, इसमें बहुत दिमाग लगता है और बहुत सारा खाना खाना पड़ता है। मुझे लगता है हमने काफी खा लिया, हमें जल्दी चलना चाहिए, जल्दी खाने तो दो। चलो सुस्त कहीं के। आ रहा हूँ। तो एक बात तो मैं भूल ही गया, हम जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आएंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना है, तुम यहाँ से निकलकर कुछ देर के लिए कहीं चली जाओ। अगर तुमको वेलिंग के राइट चाहिए तो तुम्हें उस बुड्ढे को यकीन दिलाना होगा कि एलिजाबेथ तुमसे प्यार करती है। पर ये हम कैसे करेंगे, वो बहुत जिद्दी है। तुम सही हो, मुझे लग रहा है कि आजकल मेरी किस्मत सही नहीं चल रही। ये तो बड़े जहरीले सांप हैं। तुम्हारी किस्मत हमेशा से ही अच्छी थी एवरार्ड, बेकार की बातें छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास एक प्लान है जो हमारी मदद करेगा। नसीब से अपनी सब बातें सिर्फ व्यापार से जुड़ी हुई हैं। अब तुम्हारा क्या विचार है? हमें मेरे पति को तुम्हें एलिजाबेथ के कमरे से निकलते हुए दिखाना होगा, और फिर अपने प्यार का विश्वास दिलाकर तुम्हें उनसे कागजों पर दस्तखत लेने होंगे। बहुत अच्छे, एक और शानदार योजना, और अगर आप ऐसे ही मेरा साथ देती रहीं तो हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। जल्दी करो, हमें एलिजाबेथ को बताना होगा। हाँ चलो। क्या सच? हाँ, मॉन्ट्रोवर्स और रेचल की बात हम सुनकर आए हैं। हमारे पापा को भरोसा दिलाना चाहती कि तुम और एवर्ड एक दूसरे से प्यार करते हो, समझ रही हो? अपने पापा से बात करो, अपने पापा से बात करो, उन्हें समझा दो। तो तुम हो मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें देखकर खुशी हुई, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे ही पास आने वाला था। पिताजी मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है,
मुझे एवरेज से शादी नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। मुझे उससे सख्त नफरत है। मुझे माफ करना, मैंने आपके सपनों पर पानी फेर दिया। क्या कहा तुमने? सपने? मेरा एक ही सपना है कि मैं अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, और यकीन मानो मैं तुम्हारे साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा। पिताजी, शुक्रिया, शुक्रिया। यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। चलो यहाँ से निकल जाओ यहाँ से। क्या सोचकर इंसानों के बॉल रूम में चले गए थे? तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है दोस्त। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम पागल हो, पर तुम वहाँ जाकर करना क्या चाहते थे? ये कहानी बहुत उलझी हुई है दोस्त। बात दरअसल ये है कि मैं एक लड़की को ढूंढ रहा था। बेटा, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत 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 अच्छा। क्या तुम्हें यकीन है कि ये आइडिया काम करेगा? बिल्कुल करेगा। ये आइडिया बिल्कुल फेल नहीं होगा। हम सब मिलकर काम करेंगे। यस। मैं बहुत खुश हूँ, पर शुरुआत कब करनी है? कल शाम के समय, ठीक है? ठीक है, कल शाम को मिलते हैं। मुझे तो आज तक पता ही नहीं कि प्यार होता क्या है। क्या तुम मुझे बताओगे? मुझे पता है प्यार कैसा होता है। ड्यूक और मैं जल्दी ही बाहर आ रहे हैं, तैयार रहना। क्या तुम्हें भरोसा है इन बातों का? भरोसा करो एलिजाबेथ, फुटबॉल मेरा पसंदीदा खेल है। मैं हमेशा गोल करता हूँ। तैयार हो? कैसी बात करता है? अच्छा है कि मेरी बेटी ने शादी से इनकार कर दिया। Bye-bye.
तुम सही थे स्माइली, धूम्रपान करना यहाँ मना होना चाहिए। हम दोनों को बाहर जाकर ताजी हवा खानी चाहिए। चलो एलिजाबेथ, जल्दी तुम्हें यहाँ से बाहर आना होगा। क्या बात है, इतनी जल्दी में क्यों? डॉल्फिन्स यहीं पर हैं, उनको तुमसे बात करनी है। तो मैं अभी आती हूँ। हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। हमको छुपना होगा वहाँ उस रस्सी के पास। चलो क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूं दोस्तों? आप लोगों ने मुझे इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बना दिया। अच्छे लगते हैं साथ में। अरे वाह, क्या बात है, ये मजा आ गया। पार्टी वाले गाने चलाते हैं। We'll be right back.
शुक्रिया स्माइली, मुझे पता है जो तुम मेरे लिए कर रहे हो वो मैं कभी नहीं कर पाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम बहुत प्यारे हो। मैंने जिंदगी में बहुत सारे बुरे काम करे पर इन दो बच्चों की जासूसी करना बिल्कुल सही नहीं है। पर मैं कर भी क्या सकता हूँ, अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो मालिक बिना कुछ सोचे समझे मुझे पानी में फेंकवा देंगे। मेरी बात सबको समझ में आ गई? अब ठीक है, शांत हो जाओ आराम से। मिस्टर मॉल्टवर्स इतने जरूरी हैं तो आप उनसे शादी कर लीजिए। ओफ, तुम्हारी जिद से मैं परेशान हो गई हूँ। देखो बेटा, अगर तुम उस लड़के से सच में प्यार करती हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर वो मेरी बच्ची को खुश कर सकता है तो वो मुझे भी कर सकता है। अब क्या रे, चल सब फॉर्मेलिटीज जाने दो, हम इसमें साथ हैं। ये सब होने के बाद उसे जाने मत देना। अब कुछ करने का समय आ गया है। मेरा प्लान सुनो रेचल, पर तुमको ध्यान रखना होगा, दीवारों के भी कान होते हैं। मुझे पता है उनकी जासूसी करना ठीक रहेगा। मुझे सुनने दो, हमको ये बात बतानी होगी, अब टाइम नहीं बचा है। चलो स्माइली और जॉन को ढूंढ कर सब बता देते हैं, जल्दी चलो। ये क्या है? इसको बंद क्यों किया तुमने? स्माइली ने रास्ता बंद कर दिया है हमको यहाँ से। किसी हम ऐसा नहीं करना चाहते, फिर भी ऐसा करना बहुत जरूरी है। ये मेरा बॉल। क्या हुआ स्माइली, क्या हुआ? माफ करना, बहुत जरूरी बात है। हम एवरार्ड के कमरे में थे। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि वो पूरे जहाज को डुबाने के बारे में सोच रहा था, और हमें भी। एक मिनट रुको, मुझे भी मिस्टर मल्टीवर्स ज्यादा पसंद नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा जहाज ही डुबा दे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें हमारा भरोसा करना ही होगा, हमने अच्छे से सुना है कि वो जहाज को डुबाना चाहता है और वो यही जहाज है। हमने और भी काफी कुछ सुना है, वो व्हेल का कंसेशन। सच में? और इस आदमी को वो कैसे भी चाहिए, कोई भी और किसी भी तरीके से। और ये भी मत भूलो कि ये एलिजाबेथ की सौतेली माँ का चमचा है, और हम ऐसे आदमी का बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते जो आदमी एक नंबर का धोखेबाज हो। तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही है रोनी, मैं तुमसे पूरी तरह से सहमत हूँ, तुमने एकदम सही बात पकड़ी है। कोई इस बात पर भरोसा नहीं करेगा, हमको ये काम खुद ही करना होगा। तो फिर ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनो, ऐसा लगता है कि अब हम सिर्फ अपने जिप्सी दोस्तों पर ही भरोसा कर सकते हैं जो स्पेन से आए हैं। मुझे इस काम के लिए तुम सबकी मदद की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, और तुम्हें जैसे ही कुछ गड़बड़ महसूस हो वैसे ही मुझे आकर खबर कर देना। Yes, okay, Captain. इस जहाज पर अगर माल्टोवर सही में कुछ गड़बड़ कर रहा है तो मैं उसे उसकी गलती का पूरा भुगतान करवाऊंगा। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उस पर नजर रखना। ये कितना प्यारा दिख रहा है, तुम बहुत सुंदर हो मेरी दोस्त, मुझे हमेशा तुम्हारे जैसे एक दोस्त चाहिए था। अब मैं चलता हूँ। सुनो दोस्त, मुझे यहाँ से कुछ नजर आ रहा है। मिस्टर माल्टवर्स ने एक जरूरी मैसेज भेजा है, जल्दी से आगे पहुँचाओ। हाँ सर, जरूर। हमको ये संदेश उन तक पहुँचने से रोकना होगा, समझे? हाँ? मैं इन चूहों को अभी इसी वक्त मार देता, पर टाइटैनिक पर ऐसा करने की इजाजत नहीं है। ये सब क्या चल रहा है? अलर्ट के लिए एक संदेश आया है, बस हम उसे उस तक पहुंचने से रोक रहे हैं।
भाइयों, उस संदेश में बताया गया है कि बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। हमको इसे कैसे भी रोकना होगा रोनी। हाँ रोकना होगा, लेकिन कैसे? हमारे पास सब काम करने की इजाजत है। नीचे चलो और काम शुरू करो। मुझे नहीं पता कि टेलीग्राफ कैसे काम करता है, लेकिन क्यों ना हम उसकी एक तार को काट दें? मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया? और इनमें से टेलीग्राफ का तार कौन सा होगा? कौन सा तार है ये जानने का समय नहीं है हमारे पास। अपने अपने दांतों को तैयार कर लो, हम सभी तारों को खाकर तोड़ देंगे। जहाज को आज रात को डूबना होगा, पर 12 बजे से पहले नहीं। ऐसा हुआ तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। समझो कि तुम्हारा काम हो गया। ध्यान रखना तुम कुछ गलती ना कर बैठो आयुष, नहीं तो मालिक अपने शिकारी जहाजों को तुम्हारे पीछे भेज देंगे। ऐसी धमकी बात तो मैंने और मेरे साथियों ने इंसानों का मीट कभी नहीं खाया है, समझे? एक और बात जेफरी भाई, इतना ध्यान रखना कि तुम ये जो सबको ज्ञान देते रहते हो ना, शार्क्स को अगली बार मत देना, नहीं तो तुम किसी और को ज्ञान देने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। अब हम पूरी तरह तैयार हैं। नई शरारत है दोस्तों, ध्यान से सुनो, आज रात हम टाइटैनिक को डुबाने वाले हैं। पर दोस्त, टाइटैनिक को डुबाने के लिए हमें उसको पलटना होगा और ये नामुमकिन है। नामुमकिन? क्या तुमने नामुमकिन कहा? कुछ भी नामुमकिन नहीं है मेरे दोस्त। बस थोड़ा सा सोचो मेरे दोस्तों, हमको बस इतना ही ध्यान रखना है कि वो जहाज एक बड़े बर्फीले पहाड़ से टकरा जाए और टूट जाए बस। पर जैसे ही जहाज चलाने वाले को वो बर्फीला पहाड़ दिखेगा, वो जहाज को दूसरी तरफ मोड़ देगा। फिर मेरे पास सुनो, बी टीम उस बर्फीले पहाड़ को जहाज के सामने तक ले आएगी और टीम ए उसको अपने दांतों से पकड़कर सही जगह पर रोके रहेगी और हम सही समय पर टक्कर करवाएंगे और जहाज को तोड़ देंगे। और मैं इस काम में हमारी मदद के लिए उस बुद्धू टेंटेकल्स को बना लूंगा। तुम लोग समझ गए ना? पर बॉस, टेंटेकल्स कभी भी एक बर्फीले पहाड़ को पकड़कर नहीं रखेगा ताकि इंसानों को कोई तकलीफ हो। सही बात है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो बहुत ही ईमानदार है, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब नहीं पता? क्या तुमको लगता है कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा? बेवकूफ, मैं उसे ये थोड़ी बताऊंगा कि इसमें इंसानों की जान जा सकती है, मैं तो कुछ और ही बताऊंगा। मिस्टर क्रेग, एक बर्फीला पहाड़ जो हमारी तरफ आ रहा था, अब वो दक्षिण की तरफ मुड़ गया है। एलिजाबेथ के बैठने से ये हसीन शाम और हसीन हो गई है। अब जल्दी से हमको हमारी सारी गलतफहमियां दूर कर लेनी चाहिए। जी पिताजी। ओ नहीं, हम इस अंधेरे में तो कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। क्या बात है ऑर्की, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ मैं परेशान हूँ, वहाँ देखो आइस और उसके साथी। ओ ऑर्की, तुम और तुम्हारे साथी हमारे इलाके में क्या कर रहे हैं? आइस, हम एक परेशानी में हैं और टेंटेकल्स की सलाह लेना चाहते हैं। कैसी परेशानी और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम इसे एक शर्त ही समझ लो, मेरे कुछ साथियों को लगता है कि वो बर्फीले पहाड़ को टेंटेकल से ज्यादा दूर तक ले जा सकते हैं। ओ, इस खेल में तो मजा आएगा। मुझे पता है कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो टेंटेकल्स, पर मेरे कुछ दोस्तों को ये लगता है कि वो तुम्हें बहुत ही आराम से हरा सकते हैं। वो कोशिश कर सकते हैं। ओ, तुम बहुत ही अच्छे हो टेंटेकल्स। हाँ वो ठीक है, पर जल्दी मुकाबला शुरू करते हैं।
तुम कमाल के हो। हम कुछ आसान काम से शुरू करेंगे, थोड़ी अपनी तैयारी करने के लिए, क्या कहते हो? मैं तो कहता हूँ चलो शुरू करते हैं। टेंटिकल्स, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने आज तक कभी भी शार्क को इस तरह मुकाबला करते नहीं देखा। फिक्र मत करो, अपने कुछ साथियों के साथ जाओ और जाकर उस बड़ी शिकारी वेल को पकड़ो और कैद कर लो। और ध्यान रखना कि उसको कोई भी देख ना पाए और तुम्हें भी। मेरी ये बात समझ गए ना? वो झांसे में आ गया है। काम बन गया। बेवकूफ। अब ये तुम ले लो टेंटेकल्स, क्योंकि तुम सबसे बहादुर हो। ओ, सच में तुमको ऐसा लगता है? पर ये इतना भी मुश्किल नहीं था। मैं काफी प्रभावित हुआ ये देखकर। अब इससे भी भारी उठाना चाहोगे? हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर, चलो। प्यारा बच्चा, चलो अब कुछ असली काम करते हैं, क्या ख्याल है? टेंटेकल्स, बचाओ। चलो यहाँ पहुंच गया, उम्मीद है कुछ काम बन जाए। आओ आओ, अंदर आओ। एक अच्छी पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? ये लो। अच्छा कैच लिया, तुम्हारे लिए एक काफी नहीं है ना? स्माइली, वो मैसेज उस कुकी बैग के नीचे है। ये नया तरीका तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इनको तो कोई पुरस्कार देना चाहिए। आ, एक बड़ा पुरस्कार। पुरस्कार दो। मुझे बोलते हुए दुख हो रहा है माल ट्रेवर्स की मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं यही बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस विलिंग के कागजात में कुछ तो गड़बड़ है। मैं इन कागजात को फिर से एक बार सही तरीके से देखना चाहता हूँ। मैं जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो हम चलकर एक साथ देख लेते हैं। तो ठीक है, चलो चलते हैं। हुँ? वो रहा स्माइली, उसके पास जरूर हमारा कोई मैसेज होगा। बहुत अच्छा स्माइली। ये सच नहीं हो सकता। मुझे भरोसा है कि पिताजी ने उसे ऐसी इजाजत नहीं दी होगी। हमें उनसे बात करनी ही होगी, चलो। तुम तैयार हो ना? आराम से चलो, तुमको कुछ नहीं होगा। आप बैठ क्यों नहीं जाते? बहरे हो। तो यदि अब आप इन कागजात को देखेंगे तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें कुछ भी मिसिंग है। पर अभी भी इसमें एक छोटी सी इसकी कमी है, तुम्हारी समझदारी की, जॉन हैंकॉक, समझे तुम? हाँ बिल्कुल, मैं दस्तखत नहीं करूंगा। मुझे लगता है तुम करोगे। तुम गलत हो, बिल्कुल गलत। साइन करो, साइन, अभी के अभी इन पर साइन करो। साइन करो वरना मैं तुम्हारी बेटी और उस जिप्सी डांसर को हमेशा के लिए मार दूंगा, समझे सनकी बुड्ढे? साइन करो। अंदर आ जाओ। जेफरी, जल्दी रस्सी लेकर आओ। अभी लाए मालिक। ए भगवान, ये शाम आपके लिए और बदसूरत होती जा रही है। इन कागजों पर दस्तखत कर दो और हम फिर से दोस्तों की तरह रहेंगे। हम मिलकर बहुत पैसे कमा सकते थे, लेकिन तुमने बेवकूफी दिखा दी। दस्तखत करो। अगर आपने मुझे अपना दामाद बना लिया होता तो आज आपके साथ ये नहीं होता। अब बहुत देर हो रही है, चले लेडीज। तुमने अपनी आखिरी वसीयत पर दस्तखत कर दिए और सब कुछ हमें मिलने वाला है।
देखिए मालिक, मैंने इसको सबक सिखा दिया। अपनी तारीफ करना बंद करो बेवकूफ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस बेवकूफ को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हमारा काम बन गया। देखा तुम लोगों ने, वो इतना बड़ा बेवकूफ है कि हमारे इशारों पर काम कर रहा है। बस अब एक और बर्फीला पहाड़ और बाय बाय टाइटैनिक। हे दोस्त, मैं अभी अभी देखकर आ रहा हूँ समंदर की सतह पर, वो जहाज टाइटैनिक अब थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचने वाला है। बढ़िया। वाह दोस्त, मुझे अपनी हार मान लेनी चाहिए अब। क्या इतनी जल्दी? हाँ, पर अगर तुम बहुत बड़ा एक बर्फ का पहाड़ फेंक कर दिखा दो तो मैं तुम्हें विजेता घोषित कर दूंगा और फिर तुम मेरे साथियों के कप्तान बन जाओगे। इतने बड़े इनाम के लिए तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, तुम्हें इनाम चाहिए तो मिल जाएगा, पर पहले तुम्हें इस पहाड़ को 118 मीटर की दूरी पर उस दिशा में रखना होगा। चलो बच्चे करके दिखाओ। अरे मुझे मेरी टोपी वापस कर दो, एक बार उस पहाड़ को तुम सही जगह पर रख दो फिर ये टोपी तुम रख लेना। बॉस टोपी को भूल जाइए, अभी और भी जरूरी काम करने बाकी है। अच्छा ठीक है, तुम ये टोपी रख लो, पर जब तक तुम इस पहाड़ को नहीं उठा लेते तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा। अब मैं इस टोपी को शान से पहन सकता हूँ। वो सब कहाँ चले गए? तुम सच में जीत गए इस बार टेंटिकल्स। हाँ, मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, काम शुरू करते हैं। क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? हाँ, मैंने मुकाबले में शार्क्स को हरा दिया। तुमने वो बर्फ का टुकड़ा इंसानों से भरे जहाज के सामने फेंक दिया। हाँ। है मुझे नहीं पता कि उनमें से कितने बचेंगे और कितने मरेंगे। तुमने इस बार सच में कर दिखाया बच्चे। अरे नहीं। आराम से उतारो जेफ्रीज, खुद तू कहेंगे। क्या हो रहा है? जल्दी करो जेफ्रीज, जल्दी। अलार्म बजा दो मिस्टर क्रेग, चार यात्री वो नाव चुरा कर जा रहे हैं। जी सर, अभी करता हूँ। कैप्टन, बर्फ का पहाड़ एकदम सामने। जल्दी करो, जहाज को घुमाओ, व्हील को घुमाओ, तेजी से। सर इसका व्हील भी जाम हो गया है, अब ये मुड़ नहीं सकता। हे भगवान। कोशिश करते रहो। हमको कुछ करना ही पड़ेगा। जाओ यहाँ से बेवकूफ मछलियों, जाओ यहाँ से तुम सब। जहाज में छेद हो गया है। अलार्म बजाओ जल्दी। जल्दी सब लोग ऊपर पहुंचिए, जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे पिताजी को बचाना होगा। जल्दी चलो। सभी लाइफ बोट्स को पानी में उतारो। ये जहाज दो हिस्सों में टूट रहा है। जितना जल्दी हो सके ऊपर आ जाओ, हम दोनों नीचे रस्सियों के पास आ रहे हैं।
पिताजी कहाँ हैं आप? अपने आप को बचाओ साथियों। पर सर आप हमारे साथ आ रहे हैं ना? नहीं, मेरी जगह इस जहाज पर है और मैं इसके साथ ही डूब जाऊंगा। बस इतना ध्यान रखना कि आप जाने से पहले एक संदेश भिजवा दें। मिस्टर क्रेग, शुभकामनाएं साथियों, अलविदा। हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है बच्चों। अब हम सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद रख सकते हैं बच्चों, उन्होंने इमरजेंसी मैसेज भेज दिया हो। शायद कोई पास में जहाज हो जो हमारी मदद कर दे। ओ टेलीग्राफ, हे भगवान, हमने तो उसका तार भी काट दिया। और फिर तुमने उसको सही नहीं किया क्या? ये सी माउस मरीन यूनियन के नियमों के खिलाफ है। तुम्हें पता भी है तुमने किया क्या है? कुछ नहीं कर सकते हैं हम, बस सबको मरते हुए देख सकते हैं। मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए। सही बात है, तुम्हें करना भी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा तुम नहीं जानते। हम अभी जा रहे हैं सर। हमें कुछ भी करके इन सबको बचाना ही होगा। तुम किसी को भी ढूंढ कर लाओ और इस तार को ठीक करो। मैं कैमन बर्ड को ढूंढता हूँ, उसको पता रहता है क्या करना है। कैमेंबर्ट, सब काम छोड़कर चलो और हमारी मदद करो। ये खाने से ज्यादा जरूरी है। तुम कहते हो तो चलते हैं। हमें टेलीग्राफ की तार सही करनी पड़ेगी। अगर हमने तारों को सही नहीं किया तो वो मदद नहीं बुला पाएंगे। ओ तो भी ठीक है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। पर क्या? हम इसे कभी नहीं जोड़ पाएंगे। ओ नहीं, बहुत देर हो चुकी। और ये संदेश भेज दो और उनको हमारी जगह के बारे में बता दो। ठीक है सर, ठीक है। अभी नहीं तो कभी नहीं मेरे दोस्तों। ओ नहीं, एक काम करो, तारों को मेरी मूंछों से जोड़ दो जल्दी। ओ कैमेंबर्ट, कैमेंबर्ट, तुम बहुत बहादुर हो। उन्हें जाकर सबक सिखा दो। टेंटिकल्स, हमारी मदद करो। ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी वजह से हुआ है। जल्दी जल्दी करो। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? टेंटिकल, यहाँ आकर मुझे जल्दी से आजाद करो, जल्दी। और की, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? नीचे देखो टेंटिकल्स, मैं यहाँ हूँ, नीचे फंसा हुआ हूँ। मुझे आजाद करो, डॉल्फिन्स को हमारी जरूरत है। टेंटिकल्स, अब जाकर तुम शार्क्स को सबक सिखाओ। अरे छोड़ो मुझे, क्या मुसीबत है? जितनी जल्दी हो सके तुम जाके नाव में बैठ जाओ। ध्यान रखना कि कोई इंसान तुम्हें देख ना पाए। और मेरी बात ध्यान से सुनो, औरतों और बच्चों को पहले जाने देना। बस इतना ही कहना था मुझे। तुम सबको बहुत सी शुभकामनाएं और अलविदा। अब ज्यादा नाव भी नहीं बची है, यहाँ सबके लिए जगह है। पिताजी, पिताजी बहुत डर गई थी। हाँ, मैं भी बहुत डर गया था। चलिए, आप ठीक है ना सर? मैं ठीक हूँ। अब हम एक पल भी खराब नहीं कर सकते। जितनी जल्दी हो सके नाव में बैठ जाओ। जल्दी। ये कैसे बोल रहा है? मैं बाद में समझाती हूँ पिताजी, अभी हमको ऊपर चलना चाहिए। देखो वो सब बच गए। पर ड्यूक अभी भी मुसीबत में है, वो डूब जाएंगे। जल्दी चलाओ जेफ्रीज।
हमें जल्दी से ही कोई जगह मिल जाएगी। बर्फ हमको रास्ता दिखाएगी और हम लोग बच जाएंगे। अब तुमने शार्क से पीछा छुड़ा लिया है तो एक और मुश्किल हमारे सामने आ गई है। क्या मुसीबत? देखो जहाज दो हिस्सों में टूट रहा है। हे भगवान, ये तो सच है और ये सब मेरी ही गलती है, मुझे माफ करो। और की काश कि मैं इन लोगों की कुछ मदद कर पाता, पर मैं कैसे करूं? तुम कर सकते हो। तुम जहाज को कस के पकड़ कर रखो जब तक कि सारे लोग उतर नहीं जाते। ये काम तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पैको, फर्नांडो, क्या तुम लोग यहाँ हो? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। ये सब क्या हो रहा है? एलिजाबेथ, तुम्हारी दोस्त यहाँ पर आई है, वो तुमसे बात करना चाहती है। शायद वो हमें बचाने का तरीका जानते हैं। ठीक है, चलो। वो क्या है दोस्तों? ऑक्टोपस से डरो मत तुम लोग, टेंटिकल्स हमारा दोस्त है। वो जहाज जोड़कर रखने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है तब तक कोई दूसरा जहाज हमें बचाने आ जाए। और हमने वेल्स को भी बुला लिया है, उनसे हमें मदद मिलेगी। बस अपनी हिम्मत बनाए रखना। शुक्रिया दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं। हम तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाएंगे टेंटिकल्स? तुम हीरो हो। नहीं, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं तो बस एक बच्चा हूँ। और सच तो ये है कि ये सब मेरी ही गलती है। नहीं टेंटिकल्स, तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब उन लालची और बुरे इंसानों की वजह से हो रहा है। नहीं, शार्क्स ने मुझसे ये बर्फ के पहाड़ यहाँ फिकवाए थे। मेरी पकड़ ढीली पड़ रही है, मुझे नीचे जाना होगा। बचो जल्दी टेंटिकल्स, जल्दी संभल के। मैं अपना जहाज छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब सब सुरक्षित हैं। अरे नहीं नहीं, मैं ये किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। मदद करो, हमें कप्तान को बचाना होगा। मैं आ रहा हूँ। शुक्रिया ऑर्की। अब मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। हमको अब कूदना ही पड़ेगा। अब ये भी डूब रही है। डरो मत, पकड़ कर रखो। तैयार? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई डर नहीं। ऐसा जहाज पहले कभी नहीं बना। हम यहाँ हैं, इधर हम यहाँ हैं।
शो पढ़िए पढ़िए सब पढ़िए टाइटैनिक के दो यात्रियों की बनी कहानी। कामडेन के ड्यूक ने अपनी बेटी लेडी एलिजाबेथ और जॉन टेनोरियो एंडलुशिया के राजकुमार की शादी तय कर दी है। एंडलुशिया के राजकुमार की शादी तय कर दी है। शादी कल शाम को 6 बजे सेंट पैट्रिक चर्च में होगी। आप सभी को आना है, सभी आमंत्रित हैं। There's a place not too far away, somewhere we can be alone. We discover how we used to be when our hearts were innocent and free. Like a bird blinded by a storm, we try finding our way home. We could surely rise. और अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूँ। If you put your trust in me again, tell me you still know the way to Neverland. Shake the sorrow from your wings and the butterfly. Won't you tell me you still know the way to Neverland? 'Cause the heavens are within your grasp. If you think like a child, you can fly. Hey, Smiley, यहाँ देखो नीचे, नीचे। हमारे पास तुम सबके लिए खबर है। जरा नीचे झुको। ओ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हे, हे, क्या हुआ स्माइली? ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये तो काफी हैरानी की बात है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। कैप्टन, आपको भी चलना चाहिए। आइए ना। मैं नहीं आ सकता। अरे आइए। मुझे माफ कीजिए। आप भी हमारे साथ चलिए। चलिए ना। कोचमैन, कृपया डालमेशियन के पीछे चलिए। यस सर। दोस्तों, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमने तुम्हारे सपने को सच करने में मदद की।
दोस्तों, तुम सब कैसे हो? टेंटिकल्स जिंदा है। वहाँ नीचे रेत को देखो, बाकी सब भी जिंदा है। टेंटिकल्स, तुम सच में हीरो हो। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई, और वो लोग जिन्हें नाव में जगह नहीं मिली उनको भी तुमने बचाया। तुम सच में बहुत बहादुर हो। बताओ हमें, तुमने इतना बड़ा काम कैसे किया? ये सब वेल्स ने किया। सच में मैंने कुछ खास नहीं किया। ये नामुमकिन बात है रोनी, ये कैसे हो सकता है? वो तो मर गया था। रोनी तो ये रॉनी दादी स्टेला के भाई हैं। वो अभी कहाँ है दादाजी? वो ब्राजील वापस चले गए। उन्हें न्यूयॉर्क की ठंडी सहन नहीं हो रही थी। वैसे अब वो फुटबॉल के बहुत बड़े कोच बन गए हैं। दादाजी, आपने कहा था कि वो एवरार्ड बुरा आदमी था और समुद्र में गुम हो गया था, तो अब वेल्स का शिकार कोई नहीं कर रहा है ना? सच कह रहा हूँ ना? ऐसा नहीं है बच्चों, दुख से कहना पड़ रहा है। हमेशा ही एवरार्ड मल्टीवर्स जैसा कोई ना कोई आएगा ही। उनका नाम बदल जाता है पर काम उतने ही बुरे रहते हैं। अब तुम्हारे और आने वाली पीढ़ियों के हाथ में है सब कुछ बच्चों, तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। बच्चों चलो अब आकर खाना खा लो और दादाजी को सोने दो। बस भी करो, तुम्हारे दादाजी को कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बात ना सुनो। चलो अब। चलो सोने चलते हैं। शैतान कहीं के।